विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का प्रतीक आर्यावर्त जम्बूद्वीप, बोलियां, नदियां, भाषाएं, संस्कृतियां जहां अनेक, वो देश अजनाब देश। सम्राट भरत के गौरवशाली अतीत का भव्य स्मारक भारत। कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। योगा को ये सामान्य लोग, इसकी पहचान कहीं भी नहीं थी और कई लोग जो थे उसका खाली आर्थिक रूप से फायदा उठाने के लिए ये हर तरह का उसको लेबल लगा के, खुद का लेबल लगा के, कोई बोलता था कि सूर्य योगा, कोई बोलता था वाटर योगा, कोई बोलता था बियर योगा, इस तरह से इसका एक स्वरूप, बिगड़ा हुआ स्वरूप आज हम देख रहे हैं। भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों में, परंपराओं में योग की प्रैक्टिस को लेकर के काफी एक संघर्ष की स्थिति बन जाती थी। कोई भी किसी को भी कुछ भी सिखा दे और उससे कुछ भी दुष्प्रभाव हो जाए तो लोगों का जो विश्वास है योग पर ही हट जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योग प्रमाणीकरण स्कीम के प्रारूप एवं प्रबंधन का जिम्मा QCI को सौंपा है। ऐसे कई योगी हमारे देश में हैं जिन्हें अपने आप पर यकीन है कि उन्होंने योग के प्राचीन ज्ञान को अपनी अथक लगन और परिश्रम से आत्मसात कर लिया है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों, योग साधकों को चयनित करना तय किया गया जो संपूर्ण विश्व के सामने योग के मूल स्वरूप का ज्ञान फैला सके। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या गुणवत्ता परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से एक ऐसा प्रणाली डेवलप करी है जिससे योग का स्टैंडर्डाइजेशन भारत एवं विदेशों के लिए प्रस्तुत किया है। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु QCI ने योगा प्रोफेशनल स्कीम एंड योगा स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज आयुष मंत्रालय दो प्रकार के पाठ्यक्रम के माध्यम से योग साधकों और योग प्रशिक्षकों का प्रमाणीकरण मानकों पर प्रमाणित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस चयन पद्धति में सम्मिलित होने के लिए लगभग 40,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज तक हम लोगों ने 4 देशों के साथ MOU किया है जिसमें जापान, साउथ कोरिया, पेरू और बोलीविया हैं और कई देशों ने अर्जेंटीना, जर्मनी आदि से बातचीत चल रही है कि वो इस स्कीम को अपने देश में प्रचार एवं प्रसार करें। वैसे देखा जाए तो ये योग की जो कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल बाकी देशों में, अमेरिका में चाहे या इंग्लैंड में, इन सब देशों में बना हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं था। अब हम आगे बढ़ गए, हमारे देश में भी क्वालिटी कंट्रोल का एक सिस्टम बन गया। योग करते कराते हुए हजारों ही नहीं, लाखों युवाओं को देश और दुनिया में रोजगार मिले, स्वावलंबन मिले, समृद्धि भी मिले। योग के कारण मेरे जैसे जो साधक है, हम यूथ के जो साधक है, वो भी इंडिया के बाहर जाकर आचार्य बन सकते हैं क्योंकि इस सर्टिफिकेशन के कारण हम दूसरों को सिखा सकते हैं। और QCI का जब मैंने करिकुलम देखा तो उन्होंने जैसे हठ योग प्रदीपिका और पतंजलि योग सूत्र, भागवत गीता, इसको बहुत प्रमुखता दी हुई है। आयुष मिशन के जरिए हमने एक स्कीम भी लोगों को दी है, हम उसमें से योगा और नेचुरोपैथी का यदि हम सेंटर डालेंगे तो हम उसको 80 लाख रुपीस एक वन टाइम ग्रांट देते, एक थोड़ा सा प्रोत्साहित करने का ये काम है। मोर पीपल प्रैक्टिसिंग योगा मींस द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल टू टीच इट। याद रखिए, ये है नया भारत, जहां नया दौर है नई उमंगे। नमस्कार।